भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि आज आप प्रियंका तिब्रेवाल जी को खड़ा किए हैं हमारे सीएम के अगेंस्ट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं, दिलीप घोष जी क्यों नहीं? भाई बड़े नाम में दाग या धब्बा, आपके पास तो वॉशिंग मशीन है, एनीबडी एनी टाइम कैन वॉश इट एंड रिफ्रेश इट, तो आप क्यों नहीं अपने कोई बड़े नेता को ममता बनर्जी के अगेंस्ट खड़ा करते हैं? क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? नाम में दाग लगने के डर से अपने अपने गढ़ में सब छुपे बैठे हैं। और प्रियंका तिब्रेवाल जी को बलि का बकरा बना दिया है, झूठ मूठ का एक औरत को निशाने पे खड़ा कर दिया गया है। और आप भी मैडम प्लीज, लाइमलाइट के लिए तो खड़ी हो गई है, मैं सीएम के अगेंस्ट लड़ रही हूँ, मैं सीएम के अगेंस्ट लड़ रही हूँ। अरे हार में क्या नाम उस जगह खड़ी होती ना, आप सोचिए, आप ममता बनर्जी की एक सिपाही के आगे आप खड़ी नहीं हो पाई, 58,000 वोटों से आपको पराजित किया गया है। आपको जरा सा भी समझ है? अब पता नहीं कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको अपना नाम छपवाना है कि मैं इतने ज्यादा वोटों से हारी हूँ, देखो मेरा ये नाम में तो नाम है। तो भाई आप ये नाम छपाना चाहती तो जीत के तौर पे छपा दें। पर ऐसे भी आपकी पार्टी जो है काम पे तो भरोसा करती नहीं है, ना करवाती है लोगों को, बस अपने नाम को वाहवाही में दिखाना चाहती है, हम लोग। तो भाई हार के तौर पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दिखाना चाहती है, तो भाई आपको मुबारक हो पहले से हार हमारे तरफ से और बंगाल की जनता की तरफ से। हम लोग दुआ तो नहीं बोलूंगी, पर मैं जानती हूँ कि ये बंगाल की जनता आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ऑलरेडी फाइट जो आपने शब्द यूज़ किया है, तो फाइट तो दो लोगों के बीच में होते हैं जो बराबरी के टक्कर के होते हैं, उनमें फ़ाइट होती है। तो ये कैसी फ़ाइट है जो ऑलरेडी अभी एक इलेक्शन में 58,000 वोट से इंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी से अगेंस्ट स्वर्ण कुमार शाह वो हार चुकी हैं, और फिर वो अभी इतना डेयरिंग जो दिखा रही हैं कि वो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट खड़ी होकर के वो दिखाना चाहती हैं कि मैं उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो वो कोई काबिले तारीफ़ नहीं है, ना ये कोई फ़ाइट है। इट इज़ जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी एंड लाइमलाइट। ये आप हम सब बंगाल की जनता सबको ही जानते हैं कि एक हारी हुई कैंडिडेट इस तरीके से आने का मकसद क्या है उनका। उनको तो हार ऐसे ही निश्चित है, उनके लिए हार डन है। आज ममता बनर्जी के अगेंस्ट वो खड़ी हो रही है, वो ये सोच के कि मैं सबको दिखाऊंगी मैं सीएम के अगेंस्ट खड़ी हो रही हूँ, मैं कितनी डेयरिंग हूँ। तो उनकी डेयरिंगपन तो छोड़ दीजिए, पता नहीं वो कोई रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में है शायद कि मैं कितनी ज़्यादा वोट मार्जिन से मैं हारूंगी। तो ये शायद बंगाल की जनता इंशाल्लाह और हम सब मिलकर के ज़रूर देखेंगे उनकी हार। और मैं सब बंगाल की जनता से अपील करती हूँ कि आज हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी को भारी से भारी मात्रा में वोट देकर के आप लोगों को विजयी बनाएं, क्योंकि उनका काम आज सराहनीय है। आज हम सब जानते हैं आज हमारा बंगाल जो है सोनार बंगाल जो है ऑलरेडी है, जो आज बीजेपी के वक्ता जो हर वक्त बोलते रहते हैं सोनार बंगला बनाना है, सोनार बंगाल करना है। कैसे करेंगे आप सोनार बंगाल, कैसे बनाएंगे आप मुझे बताएं, किस चीज़ की कमी है हमारे बंगाल में? सोनार बंगला पहले आप ये सोचिए, बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, होता कैसे? आप और हम एक जगह एक सेक्युलर तौर पर रहते हैं, यही तो हमारा सोनार बंगाल है, इससे बड़ा और क्या आप करके दिखाएंगे? आज बंगाल को तोड़ने की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश की, वो फॉलो करके आप दिखाना चाहते हैं कि हम लोग सोनार बंगला बनाने यहाँ आना चाह रहे हैं। आपको तो मुंह तोड़ जवाब अभी रिसेंट इलेक्शन में मिल चुका है, उसके बावजूद आप अपने कैंडिडेट भी खड़े करने की सोचते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आपकी हिम्मत कहाँ से ये आती है? आप ये सोच कैसे ले आते हैं कि मैं आज बंगाल की सीएम के अगेंस्ट में किसी को खड़ा कर रहा हूँ? तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हारी भी जो एक कैंडिडेट है आप उसको खड़ा कर रहे हैं किस लिए, किसको नीचा दिखाने के लिए, क्या साबित करना चाहते हैं आप? आप ही सोचिए, जो नंदीग्राम जिसको हम लोग शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहते थे, आज वो शेरनी वहाँ जा कर के जंग लड़ कर के आई है, और हम लोग सब जानते हैं वो जीत को पराजित में बदला गया है, उसको पराजय किया गया है, उसको दिखाया गया है कि उनकी पराजय हुई है, बट वो सब हम लोग जानते हैं वो किस तरीके से वो शुभेंदु अधिकारी की जीत थी। तो वो उनके गढ़ में जा करके आज वो इलेक्शन लड़ करके वहाँ से आई, भले वो ना जीती, वो आपकी कॉन्स्पिरेसी वो आप जानते हो बेहतर, वो ना जीती, लेकिन छोटी सी हार जो उनकी बड़ी जीत में जो तब्दील हुई, या आपको बहुत ज़ोरदार का तमाचा था आप लोगों के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ बैठे हैं अपने गढ़ में छुप के, तो मैं तो ये आप लोगों से सोचती हूँ, पूछती हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आपने प्रियंका तिब्रेवाल को खड़ा किया है हमारी सीएम के अगेंस्ट, क्यों नहीं ये जवाब देने के लिए शुभेंदु अधिकारी को आप लोगों ने खड़ा कर दिया है? अरे वो शेरनी की तरह शेर दिल वो वहाँ जा करके आपके गढ़ में लड़ के आई, तो आप तो कम से कम कुछ तो दिल दिखाइए, शेर दिल तो आपका है नहीं, वो तो हम लोग भी जानते हैं, वरना अपने गढ़ में आप छुपे बैठे नहीं रहे। भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि आज आप प्रियंका तिब्रेवाल जी को खड़ा किए हैं हमारे सीएम के अगेंस्ट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं, दिलीप घोष जी क्यों नहीं? भाई बड़े नाम में दाग या धब्बा, आपके पास तो वॉशिंग मशीन है, एनीबडी एनी टाइम कैन वॉश इट एंड रिफ्रेश इट, तो आप क्यों नहीं अपने कोई बड़े नेता को ममता बनर्जी के अगेंस्ट खड़ा करते हैं? क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? नाम में दाग लगने के डर से अपने अपने गढ़ में सब छुपे बैठे हैं। और प्रियंका तिब्रेवाल जी को बलि का बकरा बना दिया है, झूठ मूठ का एक औरत को निशाने पे खड़ा कर दिया गया है। और आप भी मैडम प्लीज, लाइमलाइट के लिए तो खड़ी हो गई है, मैं सीएम के अगेंस्ट लड़ रही हूँ, मैं सीएम के अगेंस्ट लड़ रही हूँ। अरे हार में क्या नाम उस जगह खड़ी होती ना, आप सोचिए, आप ममता बनर्जी की एक सिपाही के आगे आप खड़ी नहीं हो पाई, 58,000 वोटों से आपको पराजित किया गया है।
आपको जरा सा भी समझ है? अब पता नहीं कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको अपना नाम छपवाना है कि मैं इतने ज्यादा वोट से हारी हूँ, देखो मेरा ये नाम में तो नाम है। तो भाई आप ये नाम छपाना चाहती हो तो जीत के तौर पर छपाती, और ऐसे भी आपकी पार्टी जो है काम पे तो भरोसा करती नहीं है ना करवाती है लोगों को, बस अपने नाम को वावाई में दिखाना चाहती है, हम लोग तो भाई हार के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाना चाहती है। तो भाई आपको मुबारक हो पहले से हार हमारे तरफ से और बंगाल की जनता की तरफ से। हम लोग दुआ तो नहीं बोलूंगी पर मैं जानती हूँ कि ये बंगाल की जनता आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और ऑलरेडी आपको रिफ्यूज करा जा चुका है मैडम, प्लीज कंटिन्यू फॉर योर रिजेक्शन अगेन। सोनार बंगला, फिर से कहावत को सोनार बंगला आपके जुमलेबाजी, लोग देख देख के थक गए थे, सुन सुन के थक गए थे। अभी आप सोचिए हमारा सोनार बंगला जो ऑलरेडी बना हुआ था, आज योगी जी यूपी के सीएम, सोनार बंगला जो माँ फ्लाईओवर हम लोगों का जो आज हमारी उपलब्धि है बंगाल की, ये देन है हमारे टीएमसी सरकार की भी। तो आज ये उपलब्धि को एक पोस्टर के तौर पे, एक इश्तिहार के तौर पे आपने अपने इश्तिहार पे यूज़ किया। आप बताओ कि ये कैसी उपलब्धि है जो दूसरे की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताते हैं, वो कैसी? वो तो कुछ करने के लायक नहीं है, बस दूसरे की उपलब्धियों पर बस आँख गड़ाए बैठे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, चलो भाई यहाँ से ले लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। भाई काम करिए, जनता आपको वोट देती है बैठ के खाने के लिए नहीं, जनता आपको वोट देती है काम लेने के लिए। आप और हम सब जानते हैं कि एक ये डेमोक्रेटिक राइट है, आप लोग इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होके बैठते हैं, टू दी पीपल, फॉर दी पीपल, एंड यू ऑल आर बाय दी पीपल, ये आप क्यों भूल जाते हैं? आप अपने राइट्स को याद रखते हैं पर ये भूल जाते हैं जो जनता आपको वोट देकर के इलेक्शन के जरिए आपको उस जगह पे बैठाती हैं, तो वो उनका अधिकार है, वो आपने उन्हें बैठा, उन्होंने आपको बैठाया है, तो वो आपसे कुछ चाहती हैं? ये नहीं चाहती हैं कि आप दूसरे का, चलो भाई ये उन लोगों ने कुछ किया है, मैं आज उसके जरिए कुछ कर लेता हूँ, फ़ायदा उठाना आप लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते, दूसरों की उपलब्धियों पर अपना नाम गढ़ा। आप देखिए अलाहाबाद को आज आपने चेंज करके प्रयागराज कर दिया, क्यों भाई, क्या ज़रूरत थी? किसी की मेहनत से बनाया हुआ शहर पे कुछ नाम था, आपको कुछ समझ में नहीं आता, बस दूसरों की उपलब्धियों पे अपना नाम चढ़ा दो और वाहवाही बटोरो। तो वाहवाही बटोरने के लिए काम करना पड़ता है, ये मैं यूपी के सीएम योगी जी से भी कहना चाहती हूँ, खास करके बीजेपी के लीडरों से कहना चाहती हूँ, इनके पास काम करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, आइडियाज़ तो नहीं, कुछ है ही नहीं, और लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचाऊं ये सब तो सोच है नहीं, बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचते रहते हैं और अपने फ़ायदे को कैसे दूसरे को नीचा दिखा के या दूसरे के काम को अपने नाम छपा करके करना है बस आप करते रहते हो। तो ये बहुत शेमफुल है और बहुत निंदनीय, मैं बोलना चाहूँगी कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो। अगर कोई मेहनत करता है, अगर कोई काम करता है, तो वो श्रेय उसको जाता है, ना कि आपको जाता है। तो आप किसी के श्रेय का अपने आप को अधिकार मत बनाओ, मेहनत करो और अपना अधिकार जमाओ। डेफिनेटली ममता बनर्जी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये 2024 बहुत दूर का अंदेशा है, लेकिन ये अंदेशा नहीं है, ये निश्चित है। डेफिनेट आज ममता बनर्जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से सेक्युलर होकर काम करती हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करके काम नहीं करती है, वो सबको ले करके चलती हैं। तो इससे क्या, हम लोगों को कैसा नेता चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसा हो जो हमारे समाज को जोड़े, जो हमारे कंट्री को जोड़े, ना कि हमारे कंट्री को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे। आज टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहते हैं ये कहाँ से आए हैं? ये आप बीजेपी की बदौलत, ये बीजेपी की देन है आज टुकड़े टुकड़े गैंग। आज हमारी नेता अगर कल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्यजनक बात होगी और ये हमारे देश को जोड़ने वाली काम होगी। तो हम लोग सबको और मेरे सिर्फ बंगाल की जनता से नहीं, पूरे देशवासियों से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब कोई हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर हमारी ममता बनर्जी को भारी से भारी मात्राओं में वोट देकर के विजयी बनाए, ताकि वो आगे इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो उनका एक योगदान हमारे सोसाइटी के लिए, वो भी हम लोग देख पाएँ, वो भी हम लोग देखें। क्योंकि आज हमने नरेंद्र मोदी साहब को बहुत दो मौके दे दिए हैं, अब मौके किसी और को मिलने चाहिए। ये किसी की राजगद्दी नहीं है कि एक जाए तो उसके बाद उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करे। तो आप हम सब जानते हैं उनके फॉलोअर्स कौन हैं, उनको फॉलो कौन करते हैं और क्या फॉलो होगा और देश को क्या उपलब्धि होगी, ये हम सब जानते हैं। तो हमें देश की उपलब्धि चाहिए, हमें समाज का बेहतरी चाहिए। तो समाज की बेहतरी हमारी नेत्री सीएम चीफ मिनिस्टर हमारी ऑनरेबल्स ममता बनर्जी के जरिए ही है। तो आप लोग सबसे अपील है कि आप लोग उनका साथ दें और हमेशा उनको आगे रखें, आगे बढ़ाएं, और ऐसे भी वो कहीं से भी पीछे नहीं है, वो बहुत आगे हैं, उनको छूना अभी बहुत मुश्किल है। बीजेपी जो कोशिश कर रही है वो अपने सारे तांडव दाव पेच सब दे करके भी वो लोग हार चुके हैं, अब वो लोग अपनी हार को निश्चित कर चुके हैं। तो मैं हमेशा से मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा टीएमसी पार्टी के साथ और हमें हमारी नेत्री ममता बनर्जी के साथ तो हमेशा रहेगा, और आप सबसे भी अपील है कि आप लोग उनके साथ हमेशा वैसे ही बनाए रखें। जी आज बीजेपी से टीएमसी ज्वाइन किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कमज़ोरी रही है, जो आज आपके मिनिस्टर्स, आपके लीडर्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपको छोड़ करके किसी और पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप में क्या कमी है? आप अपनी कमी को कभी देखते हो? आप हमेशा दूसरी पार्टी की कमी को उंगली उठा करके दिखाते हो। आप अपनी कमी को देखिए, आज आपकी पार्टी को छोड़ करके लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे, आप ज़रा बताएं ना। तो आपको तो भाई समाज का भला करना नहीं है, लोगों का भला
करना नहीं है, आम जनता का भला करना नहीं है, आपको अपना भला करना है। तो बाबुल सुप्रियो जी भी आज यहाँ आए, वो समाज की भलाई के लिए आए हैं, हमारे समाज के विकास के लिए आए हैं। तो समाज का विकास जहाँ होगा कोई भी नेता वहीं रहना चाहेगा, तो आज समाज का विकास करने के लिए ही उन्होंने TMC पार्टी ज्वाइन की है। देखिए BJP पार्टी बहुत मतलब परस पार्टी है, उन्हें अपने मतलब के लिए जब जिसको जोड़ना होता है वो जोड़ते हैं, और जब जिसको तोड़ना होता है वो तोड़ते भी हैं, और जब जिसे अपनी पार्टी से निकालना होता है या हटाना होता है या पदवी से हटाना होता है वो हटा भी देते हैं। तो आज दिलीप घोष जी को उनके पद से हटा दिया गया है, ये मैं उनके लिए बहुत अफसोसजनक बात, उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई लेकिन आज BJP पार्टी ने उनके साथ अपनी वफादारी नहीं दिखाई। तो इससे बड़ा सबूत लोगों को और जनता को और क्या चाहिए कि BJP पार्टी किसी की भी वफादार नहीं है, किसी की भी सगी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वक्ता की सगी है, अपने लीडरों की सगी है, और कुछ खास लीडरों की सगी है, सब लीडरों की सगी नहीं है। अगर उन्हें लीडरों से वाकई में वफा निभानी होती तो वो आज दिलीप घोष के साथ भी वैसे ही वफा निभाते, आज उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। बहुत अफसोस लग रहा है दिलीप घोष जी आपके लिए, पर क्या करूं, जैसे को तैसा कहा जाता है वो वैसे ही आपके साथ है, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। तो हमेशा अपने कर्म का फल पाने के लिए सबको इंतजार करना पड़ता है, तो आपने भी अपने कर्म का फल पाया और आपने इंतजार किया, पर जो फल होता है वो मीठा होना चाहिए, आपका फल खट्टा हो गया, तो अब कुछ कह नहीं सकती उसके बारे में। आई एम सो सॉरी फॉर यू दिलीप घोष जी, द मोमेंट आई हर्ड अबाउट इट आई वॉज वेरी फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू, सो ये इट्स अ हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर यू सर।